चुनाव आते हैं, जनता से खूब वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर वो वादे वादे ही बनकर रह जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात के सुरेंद्र नगर लोकसभा क्षेत्र के गांव भाडुका मूली तालुका के लोग परेशान हैं। ये गांव मुख्य सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर है। गांव में जाने के लिए पक्की सड़क तो बन गई है, मगर पानी का बड़ा संकट है। पानी इतना ही मिलता है जिससे इंसान और पशु दोनों जीवित रह सकें। रही बात खेत खलियान की, तो वो सूखे पड़े हैं। ग्रामीण अपने हिस्से का पानी तालाब में भरते हैं ताकि भीषण गर्मी और तेज गति से चलने वाली लू में उनके पशुओं का जीवन बच सके। अब ग्रामीणों का कहना है कि वे उसी पार्टी को वोट देंगे जो उनके लिए नर्मदा का पानी लाएगी। वादा तो सब करते हैं, मगर पूरा कोई नहीं करता है, इसलिए अब की बार ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। अमर उजाला ने 4000 से अधिक आबादी वाले इस गांव के लोगों से बातचीत की। दोपहर में जब इस गांव में पहुंचे तो सबसे पहले तालाब आता है। तालाब का आकार इतना बड़ा था कि उसके जरिए 10-15 गांव में पानी की सप्लाई हो सकती है। सड़क से तालाब की गहराई देखें तो वह भी करीब 20 फुट से अधिक की होगी। तालाब के बीच में उस पंप से पानी छोड़ा जाता है जिसमें गांव के लोगों के लिए पीने का पानी आता है। इसके बावजूद तालाब का 98% हिस्सा खाली था। केवल एक गड्ढे में पानी को एकत्रित किया जा रहा था। लू के दौरान उसमें एक दूसरे से सटे कई पशु लौट रहे थे। जब हमारी टीम गांव में पहुंची तो गांव में एक पेड़ के नीचे 2-3 लोग बैठे थे। उसमें से एक शख्स हिंदी समझता था और टूटी फूटी बोल भी लेता था। उसने गांव की समस्या बताई। आग्रह करने पर वह व्यक्ति हमें गांव के अंदर ले गया। वहां पर 6-7 ग्रामीण बैठे थे। दिक्कत वही कि वो भी हिंदी नहीं बोल सकते थे। कुछ देर वो लोग भी अपनी बात बताते रहे। ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उनसे आग्रह किया गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो हिंदी बोलता हो, समस्या का हल हो। पड़ोस में ही एक लड़का मिल गया, उसे ग्रामीणों के बीच बैठा दिया गया। गाँव में बैठे लोग जो कुछ भी बोलते वह लड़का हमें बता देता। इस तरह संवाद शुरू हो गया। बहुत बड़ी समस्या है पानी की। नर्मदा का पानी इधर नहीं आता है हमारे गांव में। बाकी सब गांव में नर्मदा का कैनाल हो चुका है, हमारे गांव में नहीं है। और सिंचाई का पानी भी नहीं आता है। और फिर जो नदी है उसके उस पार जाने में भी तकलीफ रहती है। वो ऐसा पुल नहीं है। जो ये तालाब खाली कितने साल से पड़ा है? ये 3-4 साल से खाली तालाब पड़ा है। सारा बरसात जो है तो भर है, लेकिन खाली हो तो बरसात में भर जाता है। बारिश कम आती है, 3-4 साल से कम आती है। तो सुबह जो आपका पीने का पानी आता है तो उसको आप वहाँ पे भेज देते हैं, आधा पानी वहाँ देते हैं, तो वही आपके पशु पीते हैं। और वही इस बारे में कभी कोई आपने अपने प्रतिनिधि से, लोकसभा सांसद से, किसी से कोई शिकायत या कोई नहीं की? ना, नहीं की है, नहीं की है। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई आता नहीं। तो अभी तक कोई बीजेपी कांग्रेस वाला आया? कोई और ना, आज सुरनी में कोई आयु नहीं आवे तो कौन? किसी राणा साहब आवे से, पर ये अतर आयु नहीं है। क्या ये हमारे राणा साहब नो हारू से पानी आयु नहीं? तो पानी की पीवा पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी हो आता है, पीने का पानी है ना, वो थोड़ा मोला आता है, ऐसा मीठा पी सके ऐसा पानी नहीं आता है, थोड़ा कम आता है। तो फिर काम कैसे चल रहा है? फिर शू करे, बैठा बैठा मारा भूखा मरे। इधर वो कुआ है ना, उसमें थोड़ा वो सम से पानी आता है, मीठे का, मीठा वाला पीने का। तो लोग वहाँ कर जाके भर के आते हैं, लेकिन घर पे लोगों के वो मीठा पानी नहीं आता, मोला पानी आता है। तो फिर अब की बारी जो हमने बीजेपी हमने पानी सीता ने सीम पावा आपो बस जो पानी देगा, यानी क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि पानी की सिंचाई वो अभी खेतों में पानी पाने के लिए चाहिए, वो सिंचाई के लिए खेतों में। तो फिर कांग्रेस बीजेपी ने किसी ने भरोसा दिया है कि हम नहीं भाजपा का भरोसा देवाना हमारे बीजा कोई नहीं, कांग्रेस है हमारे नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाजपा पे भरोसा है और कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। पानी आता नहीं, कोई आता नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, कांग्रेस वाला कोई आता नहीं, कांग्रेस वाले कोई आते नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। भाजपा के कर्मचारी आते हैं किरीट सिराणा, उन्होंने दावा किया है ना।
तो फिर आपके गांव का यही है कि जो पानी लाएगा आपके खेतों में और आपके पीने के लिए तो वही उसी को आप वोट दे देंगे, चाहे वो कोई भी है, यही है। मत देना का है तो मत देना का, नगर नहीं देना का। तो ये बताइए जो बीजेपी उम्मीदवार है तो उसकी क्या कुछ अच्छी बातें हैं? बीजेपी हमारे बीजेपी रे ना हमारे अच्छी बात है, हमारे बीजेपी बहुत हमने सारू फावे है अने राणा अपने मोदी साहेब हमारे सारू काम करू, पण एक पानी हमने आप्या ने तो हम इमनो आभार मानी। अच्छा, पानी सबसे बड़ी है। हाँ, पानी दे देंगे तो आभार मानी। हां एकदम आभार मानी, पानी सेहत नहीं। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है या कांग्रेस का वो कैसा है? कांग्रेस आवे तो हमने कोई वादो नहीं, पानी पानी देवू जो नहीं। कांग्रेस कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, सिर्फ भाजपा पे भरोसा है। तो पानी कौन ला रहा है फिर? पानी तो भाजपा वाले लाएंगे, अभी तो कोई लाया नहीं है, लेकिन सूखा पड़ा है, लेकिन लोगों को लगता है कि भाजपा वाले पानी लाएंगे। लाएंगे, हाँ। शुक्रिया। कैसे समाधान हो सकता है? पानी की समझ यह है थोड़ी, कैसे समाधान होगा? क्या है, क्या वो डैम से आ रहा है? समस्या हल हो जाए? डैम नहीं भरा है? डैम नहीं होता, थोड़ा सा पानी है। अच्छा, तो डैम को कौन भरेगा? डैम को सरकार को भरने पड़े ना। अच्छा, नहीं है तो इस क्षेत्र में कौन कितनी फसल ले पाते हैं किसान? दो फसल। अगर जो डैम पूरा भर जाए, सारे खेतों को पानी मिल जाए तो कितनी फसलें होंगी? दो फसल हो। नहीं, पानी मिलने के बाद भी? तो तीन हो तो होगी, दो तो होगी। अच्छा, तो फिर इसमें आपकी बारी, इस लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों के उम्मीदवार कुछ आप लोगों से मिल रहे हैं आके, या परिचय उचय कुछ हुआ है? हुआ है, और रुतिक साथे परिचय हुआ है। तो कुछ भरोसा दिया है किसी ने? पानी आएगा नहीं आएगा? पानी जीत जाएगा तो पानी आएगा, सब बोलते थे तो आएगा। तो अभी किसने भरोसा दिया है? वो धारा सत्य थे हमारे रुतिक ये सीट पे, उसने किया था, और वो भी जाते हैं सरकार में, रजवा करते भी है, और वो तो नया है चंदू भाई शिवरा, तो इस तरह से गांव के लोगों ने जो समस्याएं बताई वो हैरान करने वाली थी। गांव के लोग परेशान थे, उनसे हर बार चुनावी वादे होते हैं लेकिन धरातल पर वो नहीं उतरते हैं। नेता आते हैं, उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कई नेता दावे करते हैं लेकिन गांव में कोई काम नहीं होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।